वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एनिमेटेड लोडिंग बार बना सकते हैं जब आपकी वेबसाइट लोड हो तो साथ साथ लोडिंग बार चले, जिससे आपको साइट पर कोई आता है तो विजिटर उसको पता चल जाए कि साइट लोड हो रही है। तो साथ साथ एनिमेटेड एक लाइन चलती रहती है, आपने काफ़ी साइट्स में देखी होगी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, अपनी चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन मैंने कैनन से बाय किया था, तो मैं वो आपको प्लगइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक मैं एक प्लगइन को हम ऐड करेंगे, यहां से मैं अपलोड कर देता हूं प्लगइन को। तो मैं आपको अपलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर ले और फिर आपको उसको अपलोड करना है। तो मैं यहां से चलता हूं, मैंने अपना एक प्लगइन है तो मैं इसको यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं यहां पे और इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास कुछ सेटिंग्स आती है, हमें वो देखना है कि कैसे हम उसको ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो हम इसको जैसे ही ये इंस्टॉल होता है फिर हम देखते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि अभी इंस्टॉलेशन पे लगा दिया मैंने, तो ये लोड हो रहा है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जैसे ये दिखा रहा है मुझे। तो इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गया मे बी। तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इंस्टॉल पे लगाया तो मैंने डायरेक्ट जिप फाइल डाली है, इसलिए ये एरर कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक अनजिप कर लेता हूँ फिर उसके बाद उसको दोबारा से अपलोड करूँगा, तब देखते हैं एक बार हम चेक करके। इस चक्कर में वो इंस्टॉलेशन फेल्ड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस फाइल को पहले, जिससे क्या होगा कि जब हम अपलोड पर लगाएंगे दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पर जाके दोबारा अपलोड करूँगा, तो उससे क्या होगा वो फिर से फेल्ड हो जाएगा। तो हम पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पर। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले, तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चल जाते हैं फिर एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर कि देख लेते हैं कहाँ पे आई है हमारी एक्सट्रैक्ट फाइल। जैसे हम इस एक्सट्रैक्ट फाइल को हम ओपन करेंगे, इसके अंदर एक और एक्सट्रैक्ट फाइल होगी, उसके अंदर होगा आपका लाइसेंसिंग कोड और प्लगइन पूरी डिटेल्स। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और फिर से इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा नीचे, जैसे अब ये प्लगइन है। अब हमें मेनली इस प्लगइन को ही अपलोड करना है, तो यहाँ पे तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे ये एक्सट्रैक्ट होता है फिर हम देखेंगे कैसे इसको अपलोड करना है दोबारा से। मैं यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ, अभी भी नहीं आया मेरा प्लगइन, तो मतलब मेरा एक्सट्रैक्ट सही से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके देख लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हियर यस कर देता हूँ मैं इसको, यस अब आ जाना चाहिए। जैसे कि एक फाइल, एक और एक स्क्रिप्ट फाइल देखनी है मेरे को कि अगर पी नाम से लेजी लोडर के नाम से आ रखा है, बट अभी नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं उस फाइल को देख लेते हैं दोबारा से, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई है उसके अंदर एक और जिप फाइल होगी। तो उस जिप फाइल को हम ओपन करेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ स्क्रॉल करके, तो स्क्रॉल में कहीं नहीं दिख रही है मुझे, मतलब अभी प्लगइन नहीं आया बाहर। तो हम इसको दोबारा से हम ओपन करते हैं और इसके अंदर चलते हैं, ये कोड दूसरा आया, यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ से मैं इस कैनन फाइल को, ये प्लगइन को दोबारा से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्टली प्लगइन सेलेक्ट करना है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। और अपना जहाँ पे आपको करना है वह फाइल फोल्डर सेलेक्ट कर लो ड्राइव, जैसे मेरे को लोकल उसमें ए में करना है तो मैं अपने ए सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा होगा प्लगइन का, एक बार चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। जैसे प्लगइन आ गया मेरे पास अभी 01 करके टॉप पर। अब हम इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे इसके अंदर की फाइल को। तो अब हम चलते हैं अपने दोबारा से अपने वर्डप्रेस पे और अपलोड करते हैं प्लगइन, क्लिक करते हैं अपलोड प्लगइन पे और यहाँ से करेंगे हम चूज़ फाइल और यहाँ से प्लगइन वन और इसके अंदर हमारा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट फाइल जिप फाइल हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ये इंस्टॉल होता है हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद हमारी सेटिंग्स पे जाना है। और जैसे इसकी हम सेटिंग सेट करेंगे कि हमें कलर कौन सा चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हो आप, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इंस्टॉल करने के बाद। जैसे ये हो चुका है इंस्टॉल, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे एक्टिवेट कम्प्लीट होता है फिर हम इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं, एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, सेटिंग्स
सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, आपको जाना जनरल सेटिंग्स में। जैसे आपके ऊपर आ रहा है लोड टाइम, ऐसे ही आपका लोड बटन आ जाएगा। आपको टॉप पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कलर कौन सा चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये गार्डन चाहिए तो आप देख सकते हो कि दो कलर का आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन करते ही हमारा लोडर आ चुका होगा। जैसे ये वेबसाइट हमने ओपन की और ये लोडर अभी नहीं आया क्योंकि हमने सेव नहीं किया। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ग्रीन कर लेता हूँ और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रख लो या आप जो भी ग्रीन और ब्लू का रख लो। उसके बाद आप सेव करो और अब चलो अपनी साइट पर। साइट पे जाके आप कोई भी एक पेज खोलो। जैसे मैं यहाँ से ब्लॉग्स खोल लेता हूँ। ब्लॉग्स खोलते ही यहाँ पे आपको दिखेगा लोडर जो जा रहा है, बट यहाँ पे कलर थोड़ा सा ब्राइट नहीं है तो हम कोई ब्राइट कलर रख लेते हैं, रेड कर लेते हैं या ब्लू या कोई और कलर देख लेते हैं, या सिंगल कलर रख के भी आप चेक कर सकते हो। उसकी हाइट और विड्थ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कितनी हाइट पे दिखना चाहिए। जैसे आप ऊपर आप चेक भी करोगे लोडर आ भी रहा है, तो मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो उसकी हाइट। जैसे आपको क्लैरिटी से दिखे कोई बंदा आता है उसको ज़्यादा लंबा दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा दिया है, मतलब कलर चेंज कर दिया है। आपको साइज़ बढ़ाना तो आप साइज़ बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको कोई और पेज ओपन करेंगे तो भी आपको दिखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।